जय श्री गणेश जी हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संदर्शक साला महालक्ष्मी ज्योतिष आदमी संस्थान लव सोल्यूशन बाय संदर्शक सना संदर्शक सना एस्ट्रो से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप छोटे से एक उपाय से आपके दिल की बहुत बड़ी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, इच्छा को पूरा कर सकते हैं। आपकी पुरानी से पुरानी कोई बद्दुआ हो, जो आपके ऊपर हाय बद्दुआ हो रखी हो, कोई भी परेशानी हो उसको दूर कर सकते हैं, काट सकते हैं। किया कराई की कोई समस्या हो तो उसे भी हटा सकते हैं। और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपके घर में सभी के जो घर है उसमें जो है हल्दी मिल जाती है। अब वो हल्दी लेनी है, और अगर आपको ये बाजार से हल्दी का एक पैकेट ही लिया है तो बहुत अच्छी बात है। बाजार से नया हल्दी का पैकेट लाएंगे और आपके जो भी कष्ट है, जो भी कलेश है, उसको बोलते हुए हल्दी का जो पैकेट होता है उस पैकेट को आपको लेके जाना है। अब पहले बता देती हूँ कि ये किस किस जगह पे काम आएगा। यदि आपको शादी की दिक्कत आ रही है तो शादी की दिक्कत को ठीक कर देता है। लड़की को शादी नहीं हो पा रही है किसी भी कारण से तो लड़की की शादी कर देगा। जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब नहीं लग पा रही है तो जॉब में हेल्प करेगा दो। लड़के को लड़की पसंद आ गई है उससे शादी नहीं कर पा रहा है तो उस पर हेल्प करेगा तीन। आपके बृहस्पति को मजबूत करता है चार। भगवान गणेश की, माता पार्वती, भगवान शिव की आप पे कृपा दिलाता है पांच। आपके बृहस्पति को मजबूत करता है छह। आपके जीवन में जो हाय बदवा मुसीबत बनहूसियत लगी हो उसको काटता है छह। आपके जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाता है सात। तो यानी कि इसके मल्टीपल प्रयोग हैं, मल्टीपल इसके फायदे हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ हल्दी लेनी है और हल्दी को लेके शुभ दिन शुभ मुहूर्त पे, जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा है, पुष्य नक्षत्र है, अक्षय तृतीया है, नवरात्र है, कुछ नहीं है तो शुक्र है, सोमवार है, उस दिन आपको ये लेके बस आपके आसपास में जो भी मंदिर हो वहाँ पे जाके भगवान श्री गणपति महाराज को इस हल्दी को पानी में गीला करना है, भिगोना है, और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी लेके ओम गंग गणपते नमः का जाप करते हुए आपको ये हल्दी जो है भगवान शिव के, नहीं सॉरी, गणेश जी के पैरों में लगानी है। कुछ माता पार्वती के और शिव के पैरों में लगा दीजिए। पैरों में लगाने के बाद आपको प्रार्थना करना है कि मेरी जो भी दिक्कत परेशानी है हमेशा के लिए खत्म हो, मेरा दुर्भाग्य उससे दूर हो और मेरी अमुक इच्छा पूरी हो। इस इच्छा को लेते हुए मैं अमुक, मेरे पिता या पति का नाम अमुक है, मैं अमुक स्थान से हूँ, अमुक शहर से हूँ, मैं ये हल्दी का भेंट भगवान जी आपको चढ़ाने आया हूँ। और हमेशा बोलना मुझे पूरा विश्वास है गणेश जी आप पूरे परिवार के साथ मेरे साथ हैं, आप हमेशा मेरा अच्छा करते हैं, आपकी कृपा आपका कल मुझ पर हमेशा बरसती रहती है और मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से मेरा अमुक कार्य अवश्य पूरा होगा, ऐसा कामना करना है। मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरी रक्षा करें और मेरी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करें, ऐसा आपको बोलना है। और फिर अपनी इच्छा को बोलिए ओम गंग गणपते नमः का, कम से कम वहाँ पे बैठ के 108 बार जाप करना है। पीली हल्दी जो आपने पानी में भिगोई है उससे भगवान के पैरों पे थोड़ा सा चढ़ा दीजिएगा, लगा दीजिएगा मतलब, और थोड़ा वहाँ पे रखकर बाकी उसको उठा के ले आइएगा। आपके घर में जो हल्दी यूज होती है उस हल्दी में इस हल्दी को थोड़ा सा मिला देना, बाकी रख देना। जब जब नया हल्दी का पैकेट खोलते हैं अपने घर के लिए खाना बनाते समय तो उसमें ये हल्दी मिला दीजिएगा, आप देखिएगा आपके घर में पैसा भी खूब आएगा और आपका कोई भी प्रतिष्ठा काम ठीक हो जाएगी। नाम इज्जत शोहरत पैसा गाड़ी नौकरी शादी सभी कुछ देता है, प्यार को भी बनाता है, पति पत्नी में हुए झगड़ों को ख़त्म कर देता है, जो चाहो वो पाओ। हल्दी का प्रयोग है और बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, पॉजिटिवली बोलो मेरा काम होगा होगा होगा, मेरा काम हो चुका है, गणेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, और दिनेश वर्मा चाहते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आदित्य चाहते हैं उनका प्रेम विवाह हो जाए, तो इन दोनों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव करते हैं आज का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो ऐसी कामना करती हूँ और गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे पूर्वजों ने और आप लोगों ने जो भी मुझसे जुड़े हैं, मेरी इस समय वीडियो देख रहे हैं, हम सब ने जो भी इस जन्म में और पूर्व जन्म में पाप किए हैं उसके लिए हमें क्षमा करें, और जिन लोगों ने भी इस जन्म में पूर्व जन्म में हमारे लिए अच्छा किया हो, हमारा भला किया हो, या हमें जो भी कुछ इस यूनिवर्स से मिला है, मैं, मेरा परिवार, मेरे पूर्वज और वो सभी जो मेरे फॉलोअर्स मुझे देख रहे हैं, हम सब ने जो भी कुछ पाया है या जिन लोगों ने भी हमारी कुछ भी हेल्प किया है इस जन्म या पूर्व जन्म में, उन सब के लिए हम यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं। शिव हमारे साथ है, शिव हमारा हमेशा अच्छा करते हैं और हमारा अच्छा हमेशा होगा, इस कामना के साथ आज मैं हूँ आचार्य संदर्शक सना आप सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देती हूँ। सभी के होली शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।